हमारी चाय भी हमारी है और हम रिफ्रेशमेंट कर रहे हैं अपनी। गाइस इसलिए जिस किसी को ये गर्मी लग रही है ना, अगर जम्मू के लोग या बाहर के हैं जो कोई जम्मू कश्मीर आना चाहता है, यहाँ पे आके विजिट कीजिए, बहुत ही मजा आएगा। और भी अच्छा इसके बैठे हुए अभी ये देखिए हम कैसे हैं। मजेदार मौसम है गाइस, यहाँ पे इंजॉयबल मौसम है। और हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो गाइस देखिए, आज मैं जैसे कि जम्मू आया हुआ हूँ और आज हम जा रहे हैं पत्नीटॉप। पत्नीटॉप वो इसीलिए क्योंकि जो मेरे साथी हैं और उन्होंने कहा था कि मैं पत्नीटॉप काफ़ी टाइम बाद जा रहा हूँ, आज गया नहीं हूँ काफ़ी टाइम से, तो मैंने कहा चलो आज मौसम अच्छा है तो चलते हैं। और मैं मेरे साथी हम निकले हैं बाइक के ऊपर, रेडर बाइक है ये, और यहाँ पे रुके हैं फिलहाल रेस्ट के लिए। मौसम काफ़ी ज़्यादा प्यारा है, अच्छा है, मज़ेदार है। तो साथ साथ में आपको भी अपने दिखाएंगे व्यूअर्स को पत्नीटॉप किस तरीके का मौसम है आज और कैसा नज़ारे हैं, कैसा मज़ा है, वो सब आपको दिखाएंगे। बस आप बने रहें तब तक। अभी हम फिलहाल आधे रास्ते में हैं यहाँ से, आई थिंक हमें लग जाएगा अभी उधमपुर से पीछे हैं 1.5 घंटा लग जाएगा आई थिंक। तो बस अभी निकलते हैं यहाँ से, कुछ व्यू काफ़ी अच्छा आ रहा है तो एक दो रील बना लेते हैं उसके बाद निकलते हैं। मौसम देखिए कितना ही प्यारा है, पूरे बादल ही बादल है और धुंध वहाँ पे चल रही है। देखिए किस तरीके से धुंध, जो फॉग हमें बोलते हैं वो है। और अभी हम यहाँ पे रुके हुए हैं जहाँ मक्कियाँ गरम गरम यहाँ पे हमारे भैया बना रहे हैं गरम गरम मक्कियाँ आग के ऊपर। मौसम बहुत ही प्यारा है, ठंड ठंडा है, तो गर्मा गर्म मक्कियाँ खाने के लिए रुके हैं हम यहाँ पर। और हमारे भैया यहाँ पे कर रहे हैं तैयार गर्म गर्म मक्कियाँ, ये देखिए कैसी है। और ये फ्रेश मक्की है, देसी है ना भैया ये? आप पंजाब में जूस नहीं लाया उन्हें, इधर की लोकल है ना? बिल्कुल, ये लोकल ज़्यादा सही रहती है, जो बाहर से आती है ना उसका टेस्ट थोड़ा मज़ा नहीं होता इतना। तो अभी एक लोकल देसी मक्की हम लिए हमने यहाँ पे और खा रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं इस चीज़ का, ठंडे मौसम का। बहुत ही प्यारा मौसम, ठंडी हवा चल रही है और मज़ा आ रहा है। और बाकी आप यहाँ का व्यू देखिए कैसा है और आगे दिखाते हैं हम कैसी है। मौसम देखिए, पेड़ देखिए कितने प्यारे हैं। अभी तो अभी जो पत्नीटॉप है वो उससे ऊपर है, वहाँ पे पहुँच के फिर दिखाते हैं आपको मजे यहाँ के। आज गाइस मौसम देखिए कैसा मौसम है यहाँ का, वाह ठंड लग रही है यहाँ पे तो। बहुत ही ज्यादा चिल्ड मौसम है, मजे वाला है, धुंध दिखी नहीं रहा कुछ आगे, फॉग देखिए कितनी बड़ी हुई है। तो फाइनली गाइस हम एंटर कर चुके हैं पत्नीटॉप के अंदर और काफ़ी ठंडा मौसम है। आप देख ही सकते हैं मेरे पीछे आप किस तरीके से यहाँ का व्यू है, कैसा मौसम है, बिल्कुल फॉग पड़ी है, धुंधी धुंध है हर टाइम। कुछ कह रहे हैं हमारे साथी साहब, क्या कह रहे हैं बताओ? स्नोफॉल होने वाली है? नहीं यार अभी तो नहीं होगी स्नोफॉल, अभी काफ़ी टाइम है स्नोफॉल होने के लिए। हमारे साथी साहब को लग रहा है कि स्नोफॉल होगी लेकिन अभी होगी नहीं, अभी बस यही ठंडा मौसम है, फॉगी फॉग हर जगह पे और काफ़ी मज़ेदार मौसम है गाइस यहाँ पे, इंजॉयबल मौसम है। और क्या बताएं आपको, हम ऐसे वर्ड्स हैं कि कुछ कह भी नहीं सकते है ना, स्पीचलेस। और व्यू देखिए कितना प्यारा है और जो जिस हिसाब से फॉग धुंध पड़ी हुई है जो कि देखने में बहुत ही मज़ा आ रहा है, ऐसा लग रहा है हम पता नहीं कहाँ आ गए। ये देखिए सामने देख सकते हो आप कैसा मज़ा है, देखिए देख सकते हैं गाइस अब कैसा आपको दिख रहा है, बताएं कमेंट करके मेरे को जरूर बताएं कि कैसा पत्नीटॉप के नज़ारे आपको दिख रहे हैं। और आज का मौसम बहुत ही प्यारा है, मज़ेदार है, फॉग पड़ी है, धुंधी धुंध पड़ी हुई है। सर गर्मियों के टाइम में जो लोग गर्मी में रह रहे हैं अगर वो इस टाइम यहाँ पर आ जाएँ तो उनको तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। बस हम भी यहाँ पर आए हुए हैं, बाकी एरिया देखिए कैसा है यहाँ पर, कितना ही प्यारा, वाह ठंड ठंड लग रही है, मेरे को ठंड लग रही है। और साथी साहब हमारे इनसे पूछते हैं आपको क्या लग रहा है, ठंड लग रही है? गर्मी बाकी मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है, मैं टी शर्ट पहन के आ रहा, मज़ा इतना ज़बरदस्त मज़ा है यहाँ पे। बाकी और भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, दूर दूर से लोग आए हुए हैं इन्जॉय करने के लिए। कितना प्यारा मौसम लग रहा है, आ जाओ आगे, मज़ा आ गया। हाय 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 हाय, बहुत ज़्यादा मज़ा है।
और ऐसा मौसम देख के बहुत ही खुशी भी मिल रही है, क्योंकि बहुत ही मतलब एक अलग चीज़ है। और गर्मियों के मौसम में जब आपको ऐसा मिलता है तो कितना ही प्यारा और मज़ा आता है, वो आप सबको पता ही है। बाकी जो भी कोई आना चाहता है यहाँ पे आइए। अभी इस टाइम पे मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बरसातों का चल रहा है, लेकिन गर्मियाँ तो रहती हैं गर्मियों के जहाँ पे अभी मौसम है, अदरवाइज़ यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इन्जॉय है। अभी आपको दिखाते हैं और भी। अच्छा इसके बैठे हुए अभी, ये देखिए गाइस देखिए, देखिए इसके अंदर बैठे हुए हैं ये। फिलहाल मैंने किश्तवाड़ में भी देखा हुआ था, शायद इसका मैंने व्लॉग भी बनाया हुआ है किश्तवाड़ का, वहाँ पे भी था ये, लेकिन ये थोड़ा ही घुमाते हैं बस, वहाँ आगे तक ले जाएंगे वहाँ से वापस। बाकी मौसम को तो देखिए आप, ज़बरदस्त, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हवा, मज़ेदार गाइस मज़ेदार। थोड़ा सा लेट हो गया हुआ है, लेकिन क्या करें, टाइम ही इतना लग गया। और लेकिन अभी हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे, लगभग आई थिंक 5 बज चुके हैं और आ गए हैं पत्नीटॉप में। अभी फ़िलहाल हम पार्क से ऊपर की तरफ जा रहे हैं और यहाँ का मौसम देखिए कितना ही प्यारा मौसम है यहाँ पे, ऐसे मतलब बारिश भी नहीं है लेकिन फॉग इतनी ज़्यादा है, जो कि देखने में पेड़ आप देख ही पा रहे होंगे मेरे पीछे कैसा है, खुद ही आइडिया लगा रहे होंगे कैसा मज़ा होगा यहाँ पे, इतना ठंडा मौसम है और बहुत ज़्यादा मज़ा है। गाइस आप यहाँ का व्यू देखिए कैसा है, बताएं आप कमेंट करें कि आपको कैसा लग रहा है, मुझे तो बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और देखिए कैसा मौसम है अभी यहाँ पे, वाओ इट्स लुक लाइक हेवन। देखिए गाइस इतना ज़्यादा मज़ा है यहाँ पे, और ठंडी ठंडी हवा चल रही है तो मज़ा। ओह माय गॉड हरियाली देखी यहाँ की, कितनी बड़ा जबरदस्त है, हम कहाँ पर हैं इस समय। वाओ गाइस क्या बिल्कुल नजारे यहाँ के, ये देखिए सूरज भी दिख रहा है यहाँ पे, जबकि अभी शायद से 6 बज चुके हैं। आसमान में सूरज देखो कैसे दिख रहा है, धुंध देखिए, हाय हाय। तो गाइस अभी हम नथा टॉप के लिए निकले हुए थे, रास्ते में हैं अभी, और यहाँ का व्यू देखिए कितना ही ज़बरदस्त है, प्यारा है, और मौसम देखिए कितना ही ज़बरदस्त है, और बादल मेरे पीछे देखिए, पहाड़ देखिए कैसे आपको दिख रहे हैं, बिल्कुल इतनी हाइट पे है ना, ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, देख पा रहे होंगे पीछे बिल्कुल पहाड़ कैसे बराबर हैं, पहाड़ से ऊँचे हम आ चुके हुए हैं, और यहाँ का व्यू देखिए कितना ही प्यारा दिख रहा है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त मज़ेदार। देखिए ये देखिए, और ये देखिए गाइस अभी हमने यहाँ से वो ऊपर जाना है, और ये यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा, सामने का व्यू कुछ ऐसा है, बस अब निकलते हैं ऊपर तो उसका मिलते हैं आपसे। तो गाइस अभी हम पहुँच चुके हैं नथा टॉप, और जो नथा टॉप की जो हाइट है वहाँ पे हम जा रहे हैं, और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बड़ा ही ज़्यादा मज़ा, ठंड भी लग रही है लेकिन एक मज़ा भी आ रहा है ना, चिल्ड मौसम है, मतलब ठंडा है, मज़ा आ रहा है, इंजॉयबल मौसम है, आप यहाँ पे आ सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, यहाँ पर गर्मी लग रही है तो आप यहाँ पे आइए, इंजॉय कीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त है, प्यारा मौसम है और अच्छा व्यू है देखने के लिए, वाकई बड़ा मज़ा है। मैं भी यहाँ पर फर्स्ट टाइम आया हूँ आज, और जब मैंने ये देखा है तो बड़ा ज़्यादा खुशी, मतलब खुश हुई, हाँ तो आज हमने बनाई, डिस्कस किया, चलो आज प्लान बनाया था जब हमने, लेकिन प्लान ये हो गया कि थोड़ा लेट बन पाया प्लान, जिस वजह से अभी इसके आगे और भी है घूमने के लिए। सरनसर है, उसके आगे वहाँ पे एक झील है और काफ़ी हरियाली इसी तरीके का है, लेकिन वहाँ पे अभी टाइम की कमी की वजह से वहाँ पर नहीं जा पाएंगे क्योंकि ज़्यादा लेट हो जाएंगे, और अभी हमने घर को भी जाना है तो अभी यहाँ तक पहुँचे हैं। अच्छा ये चढ़ाई अभी हम चढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ हाइट है यहाँ से ऊपर, और आपको दिखाते हैं देखिए कितनी हाइट पे हम आए हुए हैं, ये पूरा रोड है इस तरीके से, वहाँ पे लोग हैं, गाड़ियाँ लगाई हुई हैं, अभी भी लोग आ रहे हैं, और हम चढ़ रहे हैं अभी ऊपर की तरफ यहाँ से। कैसा मौसम आप देखिए,
जिस किसी को गर्मी लग रही है ना, अगर जम्मू के लोग या बाहर के हैं जो कोई जम्मू कश्मीर आना चाहता है, यहाँ पे आके विजिट कीजिए, बहुत ही मजा आएगा आपको। वेदर के साथ साथ जो यहाँ का व्यू है, माउंटेन व्यू, ब्यूटीफुल व्यू, बहुत ही ब्यूटीफुल है। ठीक है, अभी हम फिलहाल हाइट पे जा रहे हैं जहाँ पे अड़ के कुछ हम रिफ्रेशमेंट करेंगे। ठीक है, और देखते हैं कैसा मजा आता है हाइट पे। तो फाइनली गाइस, अभी हम नथर टॉप की हाइट में पहुंच चुके हैं और जहाँ की व्यू बहुत ही जबरदस्त दिख रहा है, प्यारा दिख रहा है। बादल तो ऐसा लग रहा है बिल्कुल पास से होके गुजर रहे हैं, टच होके ठंडे ठंडे से बादल आए हैं, जो कि बहुत ही मजेदार है। और देखिए ये पूरा नथर टॉप की हाइट है पूरी है जहाँ पे अभी इस टाइम हमें आया हुआ है, और दिखाता हूँ आपको पूरा 360 घुमा के। बादल देखिए आसमान के, ये हमारे साथी साहब हैं यहाँ पर, 360 व्यू ये देखिए, ये बिल्कुल इस तरीके से यहाँ पे प्लेन है। ठीक है, और ये पूरा 360 व्यू आप देखिए कैसा है, ये देखिए सामने सूरज, बादल, ये जो मेरे बादल, ये बिल्कुल मेरे पास से बादल गुजर रहे हैं यहाँ से, ये देखिए, आए हाँ ये देखो ऐसे टच होके जा रहे हैं, बिल्कुल बादल ना बिल्कुल ऐसे टच होके जा रहे हैं, ठंडी से मतलब ठंडा ठंडा लग रहा है पूरा ऐसे बॉडी पे, और हवा चल रही थी ज़बरदस्त, बहुत ही ज़्यादा मज़ा लेता हूँ गाइस, यहाँ पे मज़ा आ रहा है। और बादल देखिए मेरे पीछे कैसे दे रहे हैं आपको, ये एरिया, और यहाँ पे जिसको भी अच्छा लग रहा हो यहाँ पे आ सकते हो एंजॉय करने के लिए, बहुत ही मज़ेदार है। मज़ा है, मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया हूँ लेकिन मज़ा है गाइस। मैं ये सोच रहा हूँ कि मैंने पहले कैसे ही मिस कर दिया कि मैं पहले नहीं आया यहाँ पे, जबकि यहाँ पे आके एंजॉय करना चाहिए था। बहुत ही मज़ेदार है गाइस, यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बादल नज़दीक से निकल रहे हैं, मज़ा आ रहा है इस चीज़ का। तो अभी हम फोटोशूट कर लेते हैं, उसके बाद अभी हम वहाँ से फोटोशूट भी कर लिया हुआ है, और टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया जिस वजह से मैं ज़्यादा घूम नहीं पसंद घूम सकते। हमेशा हमारे साथ ऐसा ही होता है, जब कभी आता हूँ कहीं अच्छी जगह पे तो वहाँ पे इतना टाइम ही नहीं हो पाता कि मैं पूरा कवर कर पाऊँ। अभी भी बस नथर टॉप है, इससे आगे भी एक सरनसर है, वहाँ पे भी झील है और भी काफ़ी अच्छा एरिया है, लेकिन अब वो कैसे वहाँ पे टाइम ही नहीं है, इतना जल्दी से निकलना है। और ठंड लग रही है, और ठंड के लिए हम यहाँ पे फिलहाल रुके हैं, आई लव नथर टॉप में चाय पीने के लिए, चाय ऑर्डर दे दी हुई है। उसके बाद रहते हैं यहाँ पे, कुछ रिफ्रेशमेंट हम अपने घर से भी लेकर आए थे। ठीक है, ज़्यादा कुछ खास नहीं, खा सकते से हमने ब्रेड ली और आलू है कुछ बना के लेके आए हुए हैं, बस वही चीज़ यहाँ पे अब करते हैं हल्की सी रिफ्रेशमेंट अपनी, हल्की सी अपनी रिफ्रेशमेंट लेके आए थे, तो टिफिन में दिखाए क्या लेके आए थे, दिखाते हैं अपने व्यूअर्स को भी। आलू फ्राई, तो ये फ्रेंच फ्राइज हैं जो हम घर से लेके आए थे, वो ब्रेड लेके आए थे, और अभी हम चाय भी ऑर्डर दे दिए ना जो रिफ्रेशमेंट वगैरह, उसके बाद यहाँ से निकलते हैं, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया हुआ है। बाकी नेक्स्ट टाइम और भी व्यू आपको दिखाएंगे, और कवर करते हैं यहाँ पे। हम लेके आए हुए हैं आलू, तो गाइस हमारी चाय भी आ गई है, और रिफ्रेशमेंट कर रहे हैं अपनी, इसी के ब्रेड और आलू फ्राई करके लाए हुए घर से, साथ में ये चाय है। ठंडा मौसम है, ठंड भी लग रही है, टी शर्ट एक पहन के आया हूँ मैं, फिर मिलते हैं आपसे।